यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत, विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित हुआ संसद। सपा सांसद का तालिबान को सपोर्ट, शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान के कब्जे को सही करार दिया। आगरा में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, ट्रेन से आज गायों के कटने से मचा हड़का। आगरा में एक्सप्रेसवे पर कैंटीन संचालकों की ने दिखाई दबंगई, ट्रक खड़े करने के नाम पर हुआ विवाद। रायबरेली में मनरेगा कर्मियों ने किया हंगामा, काम न मिलने को लेकर कर रहे हैं हंगामा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधानमंडल भवन के बाहर और अंदर हंगामा करते देखते पाए गए। आपको बता दें कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्य शोक प्रस्ताव के दौरान ही वेल में आ गए। शोर शराबे के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रस्ताव रखा। इसके बाद दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विधानमंडल सत्र के पहले दिन विधानसभा में 6 दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि प्रदान की गई। तो लखनऊ में आज से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आज पहला दिन था जिसके बाद शोक सभा के बाद पूरे पहले दिन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधानमंडल में सीएम योगी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि प्रदान की है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब उनका अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। संभल सांसद बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही करार दिया। सांसद शफीकुर रहमान का कहना है कि अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मामला है, अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों। उन्होंने कहा कि तालिबान वहां की ताकत है, अमेरिका रूस के तालिबान ने पैर नहीं जमने दिए, तालिबान की अगुवाई में अफगान आजादी चाहते हैं। भारत में ही अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई की थी, यहां रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहां कोई कब्जा करने अगर आया भी तो हमारा देश उससे लड़ने के लिए मजबूत है। तो शफीकुर रहमान बर्क का एक बड़ा बयान देखने को मिला है। आपको बता दें कि सपा सांसद ने तालिबान के सपोर्ट में वो नजर आए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद शफीकुर रहमान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि तालिबान का कब्जा बेहद सही है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा मामला अफगानिस्तान का अपना खुद का मुद्दा है, ऐसे में अमेरिका और रूस को बीच में नहीं आना चाहिए। अफगानी नागरिक तालिबान के जरिए आजादी चाहते थे, जिसके बाद तालिबान ने उन्हें आजादी दिलाई है। तो सपा सांसद इस वक्त विवादों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त तस्वीरों में आपको हम शफीकुर रहमान बर्क दिखा रहे हैं, जिन्होंने तालिबान को लेकर एक बड़ा विवादित बयान जारी किया है। उन्होंने तालिबान का खुलेआम सपोर्ट किया है, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा करना बिल्कुल सही है, अफगानी नागरिक आजादी चाहते थे अमेरिका और रूस से, जिसके बाद तालिबान ने उन्हें अमेरिका और रूस के कब्जे से आजाद करवाया है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि अमेरिका ने अपनी हुक्मरानी अफगानिस्तान पर चला रखी थी, जिसके बाद तालिबान ने अफगानी नागरिकों को आजाद करवाया है। वहीं एक बार फिर से रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां आगरा फतेहाबाद रेलवे ट्रैक पर 8 गाय कटने और 3 गाय घायल होने से हड़कंप मच गया। शमशाबाद से फतेहाबाद की तरफ पैसेंजर ट्रेन जा रही थी, वहीं घटना से आसपास के ग्रामीणों में काफी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि सूचना पर थाना अध्यक्ष फतेहाबाद फौरन घटनास्थल पर पहुंचे, रेलवे आरपीएफ और डॉक्टर्स की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, वहीं घायल गायों का इलाज फिलहाल जारी है। तो आगरा समस्या ये है कि यहाँ जो रेलवे की ये ट्रैक है, इसके साइड में न तो कोई बैरिकेडेड है, आए दिन यहाँ हादसे होते हैं, कभी गाय कभी कोई इंसान भी आ सकता है। आज अब आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि यहाँ इसकी साइड में बैरिकेडेड कराई जाए,
जिससे ये हादसों पे रोक लगे। अच्छा, अभी क्या हादसा हुआ है? अभी यहाँ कम से कम 7-8 गायें जो कटी हैं अभी शाम को ट्रेन से। वहीं से खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारी आगरा संवाददाता ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो ममता, देर रात रेलवे विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है, जिसमें 8 गायें शिकार देखी गई हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल कीर्ति, मैं आपको बता दूं, ये थाना फतेहाबाद क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां एक जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है वहां पर कोई भी रेलवे की तरफ से कोई भी बैरिकेडिंग वगैरह नहीं की गई है, जिससे कि आए दिन हादसे लगातार होते ही रहते हैं। तो ये मामला, ये ताजा मामला रात के समय का है, जहाँ एकदम से 8 गाय जो कि रेलवे लाइन से जो शमशाबाद से फतेहाबाद की तरफ जो ट्रेन जा रही थी उस पर 8 गायों का एक्सीडेंट के होने से 8 गाय मौके पर ही मृत हो गई है। इसके अलावा 3 गायें गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज शमशाबाद के सदी में चल रहा है। जी ममता, जिस तरह से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, बड़ी संख्या में गायों की मृत्यु की खबर भी सामने आई है, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो गाय थी, ये जो गौवंश थे, ये आवारा थे या फिर किसी के पालतू पशु थे जो ट्रैक पर उस वक्त थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो गाय, ये लोग जैसे लोग गाय पालते हैं, उसके बाद में जब वो गाय दूध वगैरह नहीं देती हैं तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे गौवंश होते हैं जिनको यूं ही खेतों के अंदर जाने देते हैं, कोई उनको देख रखवाला नहीं होता। ये कोई पालतू नहीं थे, जिस तरह से आए दिन देखा जा रहा है कि रोडों पर भी घटनाएं हो जाती हैं, तो इस तरह के ये गाय और गौवंश थे जिनका कि आज रेलवे ट्रैक पर आने के बाद में ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ खबरों पर। तो आगरा से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर रेलवे विभाग की एक घोर लापरवाही सामने आई है, जहां रेल ट्रेन से कटकर 8 गायों की मृत्यु की खबर सामने आई है। वहीं आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर जमकर बवाल हुआ, कैंटीन के सामने ट्रक खड़े करने को लेकर एक विवाद हो गया। वहीं ट्रक को लेकर जा रहे पूर्व एयरफोर्स कर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वहीं मारपीट के पूर्व एयरफोर्स कर्मी लहूलुहान हो गए हैं, पुलिस ने घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं शिकायत करने पर 2 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो एक्सप्रेसवे पर कैंटीन संचालकों की दबंगई आगरा में देखने को मिली है। आपको बता दें कि ट्रक खड़े करने को लेकर विवाद देखने को मिला, जहां पर पूर्व एयरफोर्स के कर्मी के साथ कैंटीन संचालकों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली से मैं गुवाहाटी गया, गुवाहाटी से मैं ट्रक लेके एयरफोर्स का लेके लोड जा रहा था, कैंटीन के आगे गाड़ी खड़ी करी ड्राइवर ने, जो कि काफ़ी दूर थी। उसके बाद में कैंटीन के लड़कों ने ड्राइवर समझ के, कंडक्टर समझ के मुझे मारा इस तरीके से। वहीं से खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारी आगरा संवाददाता ममता हमारे साथ बनी हुई है। तो ममता, आगरा में एक और बड़ा मामला, जहां एक्सप्रेसवे पर कैंटीन संचालकों की दबंगई देखने को मिली है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? शायद हमारा ममता से संपर्क टूट गया है, हम उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आगरा से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर खुलेआम एक्सप्रेसवे पर कैंटीन संचालकों की दबंगई देखने को मिली है, जहां उन्होंने पूर्व एयरफोर्स कर्मी के साथ मारपीट की है। आपको बता दें कि मामूली विवाद को लेकर यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर खुलेआम मारपीट की गई है। पुलिस का खौफ भी कैंटीन संचालकों में देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ ट्रक खड़े करने को लेकर पूर्व एयरफोर्स कर्मी के साथ संचालकों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरों में इस वक्त हम पूर्व एयरफोर्स कर्मी को दिखा रहे हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हम ममता के साथ जुड़े हुए हैं। तो ममता, जिस तरह से एक और मामला सामने आया है, जहां आगरा के एक्सप्रेसवे पर कैंटीन संचालकों की खुलेआम दबंगई देखने को मिली है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? वहां पर साफ तौर से वहां कैंटीन संचालकों की दबंगई सामने आ रही है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक पूर्व एक्सआर जो एयरफोर्स कर्मी है, जो कि अपना ट्रक लेके जा रहा था, तो साफ तौर पे उसको ये दिख रहा, उन लोगों को ये साफ तौर से दिखना भी चाहिए था कि आर्मी का जो एक्स आर्मी था, जो एयरफोर्स का जो कर्मचारी था, उसने अपना पर्चा भी दिया, बावजूद उसके उसके साथ दबंगों ने काफी बेरहमी से उसके साथ मारपीट की है, जिसके बाद उन्होंने थाना फतेहाबाद में जाके अपना FIR दर्ज कराया है। जी, तो उस पूरे प्रकरण में क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर मिली है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जहां तक बात की जाए तो वहां पुलिस के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 2 लोगों के नाम दर्ज FIR दर्ज कराई गई है,
और उसके बाद अलावा कुछ अन्य भी अज्ञात लोगों के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई गई है। जी जी आगरा जी सर, ममता जिस तरीके से आगरा से ये पूरी खबर सामने आई है जहां एक्सप्रेसवे पर इस तरह से खुलेआम गुंडई देखने को मिली है, ऐसे में एक्सप्रेसवे पर मौजूद अन्य कर्मियों की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ स्पष्टीकरण जारी किया गया है? जी फिलहाल एक्सप्रेसवे के जो यूपीडा के कर्मचारी थे उनसे बात करने की जब मीडिया के द्वारा कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर से कैमरे के आगे आने से साफ तौर से उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद में देखा जा रहा है कि अगर बिल्कुल बात साफ है कि जो यूपीडा के जो कर्मचारी हैं उनका पूरा इनके ऊपर हाथ है। जी धन्यवाद ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां एक्सप्रेसवे पर कैंटीन संचालकों की खुलेआम दबंगई देखने को मिली है, जहां पर ट्रक खड़े करने को लेकर एक्स एयरफोर्स कर्मी के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और चलिए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां योगी सरकार एक ओर मनरेगा के काम का आश्वासन दे रही है, वहीं दूसरी ओर काम न मिलने पर नाराज मनरेगा कर्मियों ने रायबरेली के घटना ऊंचा कोतवाली उचाहार क्षेत्र ब्लॉक पर हंगामा किया। बता दें कि कई दिनों से इन लोगों को काम देने का आश्वासन दिया जा रहा था, इसी से नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और युवकों ने BDO ऑफिस पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। तो रायबरेली में आपको बता दें कि मनरेगा कर्मियों का हंगामा देखने को मिला है, जहां पर BDO कार्यालय पहुंचकर मनरेगा कर्मियों ने जोरदार हंगामा प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लगातार प्रदर्शन कर रहे कर्मियों को आश्वासन दिया जा रहा था कि मनरेगा के तहत उन्हें काम दिया जाएगा, पर कई दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें काम नहीं दिया गया, जिसके बाद विकासखंड उचाहार के BDO कार्यालय पहुंचकर सभी ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे रायबरेली संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ओम शंकर, जिस तरह से BDO कार्यालय से तस्वीरें सामने आई है जहां मनरेगा कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, रायबरेली से 30 किलोमीटर दूर ऊंचा हार का मामला है और इन लोगों को लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि कुछ दिन रुक जाओ, तुम लोगों को काम दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। इसी लेकिन कोई भी काम नहीं दिया गया है। इसी से आक्रोशित होकर आज सैकड़ों महिलाओं और युवकों ने जाके BDO ऑफिस में घेराव किया। BDO अंदर बैठे हुए थे, उनसे बाहर निकल के बात करने को कहा, BDO नहीं आए तो जबरन महिलाओं ने बाहर निकाला है और सिर्फ उनकी एक मांग है कि हमको आश्वासन दिया गया है, हमको मनरेगा के तहत काम दिया जाए। तो जिस तरीके से ओम शंकर पूरा मामला सामने आया है, BDO ऑफिस से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर जोरदार हंगामा किया गया है, ऐसे में BDO ऑफिस की तरफ से क्या कुछ पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया गया है? क्या एक और आश्वासन मिला है कर्मियों को या फिर उनके रोजगार को लेकर जो भी समस्याएं थी उसका निदान उन्हें दिया जा चुका है? नहीं, कोई निदान नहीं दिया गया, सिर्फ एक आश्वासन और मिल गया है उनको कि कुछ दिन और रुक जाओ, आप सभी लोगों को मनरेगा के तहत कार्य दिया किया जाएगा। लेकिन इसी आश्वासन के सारे लोग चल रहे हैं और ये महिलाएं और नौजवान भटकने को मजबूर है, रोज ऑफिस जाते हैं और रोज खाली हाथ इनको घर लौटना पड़ता है, मिलता है तो सिर्फ आश्वासन आश्वासन। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम शंकर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो रायबरेली से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे जहां पर मनरेगा कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं सोनभद्र के कौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिस्त्री गांव में सेवानिवृत्त लिपिक राजकुमार दुबे और उनके पाटीदार संजय दुबे के बीच आपसी जमीनी विवाद था, जिसमें संजय दुबे की शिकायत पर कौन पुलिस मिश्री गांव में गई थी। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि उसी दौरान पुलिस ने राजकुमार दुबे को बुलाकर दबाव बनाने का प्रयास किया, जिस पर उप निरीक्षक ने पीटना उन्हें शुरू कर दिया। वहीं इस विवाद में सेवानिवृत्त लिपिक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से आवेदन पत्र लिया और प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह और उप निरीक्षक सुनील दीक्षित को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है और किसी तरह समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।